हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमपी पूरक परीक्षा 2024 14 जून का विज्ञान का पेपर। पेपर में बच्चों क्या आने वाला है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। 1 से 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बनने वाला है, आधे घंटे में पढ़ लोगे तो यूं मान के चलिएगा कि इस बार आप सफल हो जाओगे। चलिए, तो आप सभी देने वाले हैं 14 जून को विज्ञान का पेपर। तो विज्ञान का पेपर किस प्रकार से, किस तरह का आने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ही बता रहा हूँ, अगर वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो फिर मत बोलना कि आपने जो बताया उसमें से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही दमदार आप लोगों के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो इसका नाम है मरकरी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो यहाँ पर आपका होगा ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एलपीजी का दहन। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्नैप्स। अगला प्रश्न आपका, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें क्या करना है, पास होना है, क्योंकि हम मेन एग्ज़ाम में क्या कर गए, फेल हो गए थे स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है बहुत ही खास। और पीडीएफ सहित ये वीडियो रहेगा, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, ठीक है। अब टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा बता देंगे अभी आपको। मानव युग्म नज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 1। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवता क्या होगा तो इसका जो पीएच संभवता होगा वो होगा 10। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवता दर्पण है तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। अब यहाँ पर आंसर भी है, जिसके बाद में ये खाली स्थान है, आपके खाली स्थान के सारे आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जोड़ी है, जोड़ी के आंसर यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ये एक शब्द में उत्तर है, सारे आंसर लिखे हुए हैं। आगे देखिएगा बच्चों, ये देखिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके आंसर कहाँ हैं, ये नीचे आंसर दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये सभी आंसर हैं, ठीक है। ये खालिस्तान है, खालिस्तान के आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर खालिस्तान के आंसर लिखे हुए हैं, ये जोड़ी है और जोड़ी के आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। जिसके बाद में हम बात करें एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर, तो ये हैं सभी और ये रहे आपके आंसर। अभी रुकिएगा, ये सभी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, इन क्वेश्चनों को ही पढ़ना है अगर आपको इस बार सफल होना है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बताऊँगा मैं आप लोगों को नीचे, ठीक है। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे आप लोगों के लिए अगले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर सहित। देखिए बच्चों, मैं पीडीएफ दूंगा आप लोगों को ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, बहुत ही शानदार हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो पीडीएफ नहीं चाहिए, आप तो आप ही समझाइए, तो हम अलग अलग इन सभी सेट्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और सेट डी है, 4 सेट है, 4 सेट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा साथियों। बस इतना करके जाइए और अच्छे मार्क्स से लीजिएगा। ये देखिए, इनके आंसर भी ये रहे, जिसके बाद में ये जोड़ी के आंसर रहे, ये आपके एक शब्द में उत्तर रहे जिनके आंसर हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर पास होना है, अच्छे नंबर उससे पास होना है
तो बस इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा चौथा सेट, जिसके आंसर भी आपको यहीं मिल जाएंगे। ये रहे नीचे आंसर, ये सभी आंसर हैं। जिसके बाद ये खालिस्तान के आंसर, ये जोड़ी के आंसर, ये एक शब्द में उत्तर के आंसर देख सकते हैं आप। ये सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर, ये जो सेट है ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर। ये कक्षा दसवीं का मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पेपर पूछा गया है। इसका वीडियो मैं आपको, अगर आप बोलेंगे कि अगले वीडियो में इसका वीडियो बनाया जाए, तो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और अगर नहीं, तो ये चार सेट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहाँ पर सर्च कर लो फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर आ जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर ये पीडीएफ में डाल रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। तो जो जो दोस्त क्लास को देख रहे हैं, सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।